बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कहाँ मिल सकते हैं, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें, नंबर है हमारा 9582222666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें, #BazaarAajAurKal भी लिखें। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल होंगे, और साथ ही एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ शो में है। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में, और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जो कि बताएंगे कल के वो ट्रिगर्स जो बाजार पर डालेंगे असर। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार आज लगातार दूसरे दिन कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ ही बंद हुए। दोनों इंडेक्स हमने देखा हरे निशान पर खुले तो थे, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर तक टिकी नहीं और फिर से दोनों लाल निशान पर आ गए। कारोबार के अंत में निफ्टी 62 अंक फिसल कर 16,500 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 185 अंक लुढ़क कर 55,381 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 133 अंक चढ़कर 35,620 के स्तर पर बंद होने में जरूर कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं, शुरुआत मजबूत लेकिन गिरावट के साथ क्लोजिंग, ऐसा क्यों हुआ बाजार में? भारतीय बाजारों में आज एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा, और अमेरिकी बाजार में कल देर रात दिखी थोड़ी कमजोरी, 225 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुए उम्मीद के मुताबिक, और आज डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में थे। इन सब के चलते भले ही एसजेएक्स निफ्टी पर दिख रहा था दबाव, लेकिन भारतीय बाजार फ्लैट खुले, उसके बाद धीमे धीमे थोड़ी मजबूती के साथ 16,650 तक ऊपर की तरफ बढ़ते हुए भी दिखे, और बैंक निफ्टी पर 35,750 तक। तो मतलब ऊपर नीचे के बीच में आखिरी आधे घंटे में शानदार रिकवरी दिखी, और लगभग 16,450 के आसपास का लो बनाने के बाद बाजार 16,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। तो क्लोजिंग के बेसिस पे निफ्टी उतना खराब नहीं था, 60 अंकों का नुकसान, लेकिन बैंक निफ्टी से कहीं बेहतर 35,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और यहाँ पर जो खरीदारी आई, शॉर्ट कवरिंग आई, वो काफ़ी अच्छी थी, और हरे निशान में बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा एक्शन था स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन आज के सेशन में दोनों तरफ के ट्रेड काफ़ी ज़बरदस्त नजर आए। ग्लोबल मार्केट्स में भी लगभग उसी तरह का रुझान था। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में फिर से एक मजबूत सेशन की, रिकवरी वाले सेशन की उम्मीद तो है, लेकिन इस बीच आज जो उतार चढ़ाव हुआ उसमें दो तीन रीजन है। एक हल्के बाजार, FIIs की थोड़ी सी खरीदारी, कच्चे तेल का गिरना, ये सारे ट्रिगर्स थे जो पॉजिटिव थे बाजार के लिए। लेकिन फिर से रशिया यूक्रेन के बीच में बाइडेन साहब के बयानों की वजह से तनाव का बढ़ना, चाइना की तरफ से कोई पॉसिबल एक्शन, ये सारी चीज़ें थी जो बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाती हुई दिखी। अब कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के पहले बाजार में जो आज उतार चढ़ाव भरा एक्शन रहा, और पिछले दो सेशन से कल और आज ऐसा ही होता दिखा है, कल का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अहम होगा। अब आगे बढ़ने से पहले FIIs और DIIs का डेटा भी देख लेते हैं। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1930 करोड़ रुपए की बिकवाली आज की है। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 984 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर इनका रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है बाजार कभी नीचे कभी ऊपर। फिलहाल अभी बाजार की कैसी चाल आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि देखिए पहली बात तो FIIs की बिकवाली वापस जो कई दिन पहले पॉजिटिव हो चुकी वापस नेगेटिव हो चुकी है, और दूसरी बात अभी आने वाले दो तीन दिनों में जून के महीने में 6-7 तारीख को RBI की पॉलिसी है। अनुमान लग रहा है कि इन्फ्लेशन को लेके जो गवर्नर साहब की कमेंट्री रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वापस कोई 40-50 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट हाइक आती है तो इसमें डेफिनेटली मार्केट्स को काफी थोड़ा सा सेंटिमेंटल नेगेटिव इफेक्ट आएगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स में ऊपरी लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन निचले लेवल पे होपफुली हम 16,000 का लेवल मेंटेन करते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा फोकस करेगा। कहीं ना कहीं अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो मेरे ख्याल से जो मैक्रो नंबर्स है जो US से आ गए हैं प्लस जो हमारे नंबर्स आएंगे मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा। और RBI की पॉलिसी में अगर कोई डोविश कमेंट्री आती है और रेट्स अगर चेंज नहीं होते तो मार्केट्स को थोड़ा सा और उछलने में मदद मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा वोलेटिलिटी RBI के पॉलिसी के पहले तक रहेगी।
तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस करना चाहिए। अब ऐसे बाजार में हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो अविनाश जी, तो कौन से स्टॉक में आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? स्वाति देखिए, आज जो जो थीम चला है बाजार में डिफेंस, हमको लग रहा है कि ये थीम आने वाले दिनों में भी अच्छा चलेगा। और अगर 8 से 10 दिन का कोई नजरिया रखता है तो मुझे लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL एक बहुत अच्छा विकल्प है शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 236 का रेट है, यहाँ पे करीबन 266 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। यहाँ पे 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली यू नो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म यू नो ट्रेडर्स है उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये स्पेस में हमको लग रहा है कि काफी ज्यादा यू नो बाइंग आगे भी आएंगी, क्योंकि आंकड़े जो आएंगे जून क्वार्टर के वो भी काफी दमदार होने की अपेक्षा है। बिल्कुल, तो पोजिशनल खरीदारी BEL में करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गुरक्षकर। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आसनसोल से शारदा गोस्वामी का आ रहा है। इनका सवाल हीरो मोटोकॉर्प पर है, 30 शेयर इनके पास है और इनकी हीरो मोटोकॉर्प पर जो खरीद है वो है 2890 की। क्या किया जा सकता है शेयर में? इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इनको स्टॉक होल्ड करना चाहिए। देखिए, टू व्हीलर के नंबर्स अभी जो इस महीने के आ गए थोड़े से नरम जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस साल अगर बारिश अच्छी होती है, रूरल डिमांड अगर पकड़ता है तो डेफिनेटली टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प जो मार्केट लीडर है इसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। इनको कम से कम 6 to 8 months का नजरिया रखना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करिए और होपफुली मुझे लग रहा है कि जो सेकंड हाफ ऑफ FY23 होगा वो कम से कम पहले फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ मानसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है डिमांड के लिए, और ये अगर अच्छा रहता है तो हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आगे बन सकता है। बिल्कुल, तो हीरो मोटोकॉर्प में बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गुरक्षकर। अगला सवाल है अतुल ऑटो पर और ये सवाल पूछे चंडीगढ़ से कमल शर्मा साहब। ये इनकी खरीद अतुल ऑटो पर है, 100 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 230 की। अतुल ऑटो पर अभी क्या स्ट्रेटेजी रखने की सलाह देंगे आप अविनाश जी? इनफैक्ट देखिए, ये एक बेसिकली एक अहमदाबाद बेस्ड थ्री व्हीलर वाली कंपनी है जो बेसिकली थ्री व्हीलर्स बनाती है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में अभी तक कोई बैलेंस शीट पे कर्जा नहीं है, अपना कैश फ्लोज वो अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि अभी थ्री व्हीलर मार्केट में डिमांड ट्रेंड थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर चल रहा है, तो मेरा तो मानना है कि अगर ये 6-12 महीना वेट करते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार से यू नो पैसेंजर कार्स में यू नो रन रेट बढ़ा है, कमर्शियल व्हीकल्स में यू नो रन रेट बढ़ा है, तो थ्री व्हीलर यू नो सेगमेंट में भी ग्रोथ आएगी। इनको कम से कम 6 to 12 months का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, हो सके तो थोड़ा सा करंट प्राइस पे ये एवरेज भी करे, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है और जैसे ही डिमांड पिकअप होगा इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन डेफिनेटली अगर हो सके तो एवरेज करके अपना कॉस्ट कम करें। बिल्कुल, तो अतुल ऑटो पर सलाह मिल गई है। अब अगला सवाल कोलकाता से विनोद रॉय हमें भेज रहे हैं, इनका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर सवाल है, 200 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है 95 की। हमें मालूम है कि हाल फिलहाल में सर्विस चार्ज को लेकर जो पूरा रेस्टोरेंट स्पेस है उसमें काफी ज्यादा हलचल नजर आई है। बहरहाल, अभी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में इन्हें क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स का जो सेगमेंट है वो बेसिकली एक अनलॉकिंग थीम है, और मुझे लग रहा है कि स्वाति यहाँ पे निवेशकों ने अच्छा प्राइस पॉइंट में एंटर किया है, यहाँ पे जरूर इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाला साल दैट इज FY23 बहुत नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, अगर कोविड में कोई बढ़ोतरी होती नहीं है और बिजनेस नॉर्मल होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी अच्छी रिरेटिंग होगी, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक 20% की अपसाइड स्टॉक में पॉसिबल है, तो नंबर्स तो अच्छे आएंगे लेकिन और भी अपसाइड के लिए जगह है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, यहाँ पे इस लेवल पे बिकवाली ना करें। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बने रहने की सलाह अविनाश जी की। आगे बढ़ते जुबलेंट फूड पर सवाल पूछ रहे हैं सूरत से दुष्यंत पटेल साहब, 100 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है जुबलेंट फूड पर 748 की। क्या सलाह देंगे जुबलेंट फूड में? देखिए, जुबलेंट फूडवर्क्स भी यू नो QSR स्पेस में एक मार्केट लीडर है, और हमने देखा है कि अभी हाल ही में इनका नया जो CEO अपॉइंट किया है वो एक्स अमेजोन का यू नो अमेजोन में पहले काम करते थे, तो कंपनी वापस एग्रेसिव मोड में आई है। हालांकि हमको लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार का अभी कोविड का सिनारियो था तभी बाहर का डायनॉट बिजनेस बहुत ही खराब हो चुका था, लेकिन अगर अभी नॉर्मल सी वापस आ गई है और अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है
तो मैं समझता हूँ कि QSR के बिजनेस में ग्रोथ अच्छे नंबर्स कंपनी को प्रेजेंट करेगा, कम से कम 25-30% की रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने की अपेक्षा है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, इसमें जल्दबाजी न करें, क्योंकि स्टॉक इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे खरीदा है, बट अगर ये 6 से 12 महीने वेट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 750-800 रुपया का एक इमीडिएट नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो तभी इंतजार करें और तभी हो सके तो थोड़ा मुनाफा वसूली ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से राज किशोर पुंडीर साहब सवाल पूछ रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल पर इनका सवाल है, 300 शेयर है, उनकी खरीद है 180 की। देवयानी इंटरनेशनल क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? यहाँ पे भी स्मृति मैं समझता हूँ कि देखिए QSR स्पेक ऐसी स्पेस है जो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। पिछले 5-10 सालों में जो QSR का सेगमेंट बड़ा है वो क्लियरली ये बात को दर्शाता है कि अभी बाहर खाने पीने की जो QSR के जो प्रोडक्ट आइटम्स है वो बहुत अच्छी तरह से तेजी से चले, और इसका क्लियरली एग्जाम्पल है कि इंडिया में जो यंगर पॉपुलेशन वाले लोग हैं ये सेगमेंट को ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल भी मैं ये कहूंगा कि ये बेसिकली एक वेल नोन ग्रुप है, वरुण बेवरेजेस इनकी पेरेंट कंपनी है, और जिस प्रकार के इन्होंने नंबर्स डिक्लेयर किए Q4 FY22 के लिए, ग्रोथ नंबर्स आने वाले साल के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। पिज्जा हट एज वेल एज जो उनके दूसरे ब्रांड्स है KFC, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ आएगी। तो थोड़ा इंतजार करिए, इसमें हमको लग रहा है कि 225-230 का एक टारगेट बन सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे करीबन 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम इन्वेस्टर रखता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हेमंत भारद्वाज जी सवाल पूछ रहे हैं नागपुर से, और इनका सवाल है शारदा एनर्जी एंड मिनरल पर 60 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद इस पर 1145 की। शारदा एनर्जी एंड मिनरल फिलहाल तो नुकसान पर बैठे हैं, स्ट्रेटेजी क्या रखने की सलाह देंगे? देखिए शारदा एनर्जी और मेटल बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है, और जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स मेटल सेक्टर में दिख रहे हैं, हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत ऊपरी लेवल पे कमजोरी दिख रही है, क्योंकि मेटल के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इनको डिमांड का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर कोई भी अपसाइड में ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इसको सेल ऑन राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे निकल जाना चाहिए। अगर किसी को मेरे ख्याल से दूसरे कोई सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट्स या कैपिटल गुड्स ऐसे सेक्टर्स है जो आपको अगले 6 से 12 महीने में मेटल सेक्टर के मुकाबले में अच्छा पैसा बना के देखे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए और कोई दूसरे कंपनी में जैसे महिंद्रा है, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स में भारत पहुंच जाए, ये कंपनीज काफी अच्छी विकल्प लग रही है, तो यहाँ पे निवेश करिए और अपना जो भी नुकसान है वो आप कवर कर सकते हो। शारदा एनर्जी से निकलने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। संतोष घोरपड़े का सवाल है मुंबई से, इंडिया मार्ट पर सवाल है, 10 शेयर इनके पास है, इनकी खरीदे 6500 की। इंडिया मार्ट पर फिलहाल क्या करने की सलाह देंगे, इनको भी फिलहाल नुकसान है? देखिए मुझे लग रहा है कि ये सारे जो न्यू एज वाली कंपनियां है स्वाति, इसमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सस्ती कंपनियां नहीं है। हालांकि इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ा B2B प्लेयर है, एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल है इनका, बट इस लेवल से मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़ोतरी आएगी नहीं। इनफैक्ट कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से अगर ये बायबैक में अपना शेयर देना चाहते हैं तो वहां पे दे सकते हैं, वहां पे कम से कम इनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। कितना एक्सेप्टेंस रेशियो निकलता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऊपरी लेवल पे अगर ये स्टॉक चलता है तो इसको निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लेवल से कोई बड़ी अपसाइड आएगी एटलीस्ट इन द नियर टर्म लग नहीं रहा है। बिल्कुल, और अगला सवाल भोपाल से शिवान श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, इनका सवाल है जाइडस लाइफ साइंसेस पर, 100 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 550 की। जाइडस लाइफ साइंसेस पर क्या स्ट्रेटजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप अविनाश जी? देखिए स्वाति, फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने काफी फार्मा कंपनीज के नतीजे देखे, काफी खराब नंबर्स आ गए, तो यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि लॉस में मत बुक करिए। ये कंपनी में भी पोटेंशियल जरूर है, लेकिन जिस प्रकार का मॉलिक्यूल बिल्डअप ये बना रहे हैं, जिस प्रकार का इनका मार्केट स्ट्रेटेजी है, इस सबको नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में शायद आपको 6 से 12 महीने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी भी होल्ड करिए, कम से कम एक 8-12 मंथ्स का नजरिया रखिए। कंपनी अच्छी है लेकिन हो सकता है कि एक आध क्वार्टर के लिए थोड़े से मार्जिन दबाव में आए। अगर साल भर का नजरिया है तो हो सकता है कि आपको अपनी बाइंग प्राइस और उसके ऊपर थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ओके, जारे लाइफ साइंसेज में होल्ड ऑन करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। सिलीगुड़ी की सुजाता राव का सवाल है, इनके पास है 2 ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों के शेयर, 140 रुपए के भाव पर ONGC के 200 शेयर हैं और 185 के भाव पर ऑयल इंडिया के 150 शेयर है, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, क्या करना चाहिए? खासतौर पर जो ओपेक प्लस की बैठक है उससे पहले कोई खास स्ट्रैटेजी?
मुझे लग रहा है कि स्वाति देखिए अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए आने वाले 3 से 6 महीने बहुत ही दमदार आएंगे। इसका एकमात्र कारण है कि क्रूड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने जरूर देखी थी, लेकिन जब तक क्रूड $110-$112 तक भी रहता है तब तक ONGC और ऑयल इंडिया को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट ये कंपनीज को एक विंडफॉल गेन आने की अपेक्षा है आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ONGC हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, तो यहाँ पे तो होल्ड करे। ऑयल इंडिया में भी ऑयल बढ़ता है तो इनका मार्जिन्स में डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेंसी आएगी। तो दोनों स्टॉक्स में होल्ड करिए, जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि आपको 3 से 6 महीने में और कम से कम 15-16% की अपसाइड ये दोनों शेयर्स में देखने को मिले, तभी शायद मुनाफा वसूली का समय होगा। कल बाजार की नजर किन अहम इवेंट्स पर रहने वाली है, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी तो ट्रिगर्स के लिहाज से कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तो है वीकली एक्सपायरी जहां पर हमारे सबसे बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है उनकी मीटिंग है फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और ये सर्विस चार्ज को लेकर बैठक है। साथ ही आप देखिए बायबैक शुरू होता हुआ दिखेगा 2 काउंटर्स का, जिसमें शारदा एनर्जी एंड मिनरल और इंडिया मार्ट इंटरमेश शामिल है। यही नहीं, एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे पेज इंडस्ट्रीज, टाटा कॉफी और कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। और साथ साथ जाइडस लाइफ साइंस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो बायबैक है, जो इन्होंने बायबैक अनाउंस किया था 750 करोड़ रुपए का, उसकी रिकॉर्ड डेट जो है कल के सत्र में है। इनफैक्ट US भी ध्यान में रहेगा, इनफैक्ट तमाम जो ग्लोबल मार्केट्स है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि OPEC मीटिंग है और UK के बाजार बंद रहेंगे क्योंकि वहां पर बैंक हॉलीडे के उपलक्ष्य में छुट्टी करार दी गई है। तो ओवरऑल इन सभी ट्रिगर्स पर आपको कल के लिए ध्यान रखना है। तो ट्रिगर्स बाजार के लिए अहम है, पर कल के बाजार पर की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 125-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, नैस्डेक फ्यूचर्स फ्लैट थे। अब देखते हैं आज रात अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, लेकिन कल के लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए न सिर्फ अमेरिका का एक्शन इंपॉर्टेंट होगा बल्कि वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो पोजीशंस आज के उतार चढ़ाव में कितनी कम हुई है वो देखना जरूरी होगा, और साथ ही FIs के आंकड़े किस तरह के आते हैं। जो सपोर्ट है बाजार के लिए कल के लिए वो है 16,350 से 16,425, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 16,650 16,700 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे की तरफ 35,300-35,500 की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 35,800-36,100 ये वो रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। इस रेंज के कहीं बाहर अगर कल वीकली एक्सपायरी के दिन निकलते हैं बाजार, तो उससे एक बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी। तो दो उतार चढ़ाव भरे ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद कल हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भी कमोबेश यही रुझान देखने को मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा ट्रिगर कल के बाजार के लिए होगा वो ग्लोबल मार्केट से ही आता हुआ दिखेगा, और उसी के दम पर भारतीय बाजारों में आगे का एक्शन बढ़ेगा। जी आइए अब देखते हैं वायदा बाजार की रणनीति कल का ऑप्शन में। SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन जी बहुत स्वागत करते हैं आपका, कल ऑप्शन में कहां पर मौके बन रहे हैं? देखिए मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी करनी चाहिए, और जैसे आज नीचे से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है तो कल भी अगर कोई डिप मिलता है और अगर हमें 16,500 की कॉल ऑप्शन जो करीब बंद हुई है 90-95 के आसपास, अगर ये मुझे कहीं 60 के आसपास मिलती है यानी थोड़ी डिप पे मिलती है तो ये खरीदनी चाहिए। 50 से 60 के की बाइंग रेंज होगी जिसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का, और फिर टारगेट आपको 95 से 100 मिल सकते हैं। यानी एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 16,500 से 16,600 की रेंज में आनी चाहिए, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखेंगे और 16,500 की कॉल ऑप्शन पे टारगेट रखेंगे। बहुत धन्यवाद नितिन जी, कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी बताई आपने। और मैं अविनाश जी अब आपसे जानना चाहती हूँ, लंबी अवधि की खरीदारी के लिए आपकी पिक कौन सी? स्वाति लंबी हमने एक ऐसी कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है, काफी सेक्टर्स को केटर करती है, और कंपनी का नाम है दीप पॉलीमर्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी 2004 से इनकॉर्पोरेट हुई है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली एंटी फिलर मास्टर बैचेस है जो बेसिकली टेक्सटाइल्स फर्टिलाइजर्स पैकेजिंग और इरीगेशन जैसे सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स में जाते हैं। इनफैक्ट 50% का जो इनका बिजनेस है वो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर सेगमेंट से आता है, 35% करीबन SGP पाइप्स और PVC पाइप से आता है, और करीबन 15% पैकेजिंग से आ रहा है। हमको इस कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये तीनों से जो एंड सेक्टर्स है वो काफी अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहे हैं और आने वाले साल में भी अच्छा ग्रोथ करेंगे।
पिछले साल कंपनी ने करीबन 138 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल बहुत कम था, करीबन 2 करोड़। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल ग्रोथ और काफी स्ट्रांग आएगा। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 175-180 करोड़ की रेवेन्यू और करीबन 16-17 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। और उसके बाद एक कंपनी एक एक्सपांशन भी कंपनी कर रही है गांधीनगर में। ये करीबन एक नई फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ पे ये स्पेशलिटी मास्टर बैचेस करेंगे और ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, काफी कम कंपनीज इसमें है, तो मुनाफा और मार्जिन भी काफी अच्छा रहेगा। 35 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कंपनी ने कंप्लीट किया है, दिसंबर में प्लांट चालू होगा और हमको लग रहा है कि इसका फायदा आपको अगले साल दैट इज FY24 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो कम से कम 290-300 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर खरीदना चाहिए। डीप पॉलीमर्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गुरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।